हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नया कॉम्पिटिशन वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं इंडिया की मोस्ट फेमस सेफ हैचबैक कार टाटा टियागो के बेस वेरिएंट एक्सई को कंपेयर करूंगा मारुति ब्रांड की मोस्ट अंडररेटेड कार मारुति इग्निस के बेस वेरिएंट सिग्मा से। और वीडियो के आखिर में हमें पता चल जाएगा कि कौन सी कार आपके लिए बेस्ट होगी। इस वीडियो में इंजन, डायमेंशंस, कंफर्ट फीचर्स, सेफ्टी फीचर्स, वारंटी, सर्विस सेंटर्स और प्राइस पॉइंट को कंपेयर किया जाएगा। नंबर वन, इंजन। टाटा टियागो में मिलता है V6 कॉम्प्लायंट 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जबकि मारुति इग्निस में मिलता है बेहतर V6 कॉम्प्लायंट 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो टियागो के मुकाबले बहुत साइलेंट है। पावर आउटपुट के बारे में बात करें तो टियागो का इंजन जनरेट करता है 84 bhp का पावर और 113 Nm का टॉर्क, जबकि मारुति इग्निस का इंजन जनरेट करता है 81.80 bhp का पावर और 113 Nm का टॉर्क। यानी कि मारुति इग्निस का इंजन थोड़ा कम पावर जनरेट करता है टियागो के मुकाबले, लेकिन टॉर्क दोनों का ही सेम है। ट्रांसमिशन के बारे में बात करें तो दोनों ही गाड़ियों के बेस वेरियंट में 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। माइलेज के बारे में बात करें तो टाटा टियागो में मिलता है 23.84 केम्पियल का माइलेज, जबकि मारुति इग्निस में मिलता है 20.89 केम्पियल का माइलेज। तो इस फास्ट पैरामीटर में ओवरऑल आप देख सकते हो दोनों ही गाड़ियों के इंजन में कोई बहुत बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिलता, लगभग इक्वल ही है दोनों ही गाड़ियों के इंजन, इंजन से जेनरेट होने वाला पावर, ट्रांसमिशन, माइलेज सब लगभग एक जैसा ही है। इसीलिए फास्ट पैरामीटर में दोनों को ही मिलेगा एक एक पॉइंट। और अब स्कोर है टियागो 1 पॉइंट और इग्निस 1 पॉइंट। नंबर टू, डायमेंशंस। डायमेंशंस के बारे में बात करें तो टाटा टियागो लेंथ में 65 mm ज्यादा है इग्निस से, विड्थ में 13 mm कम है इग्निस से, हाइट में 60 mm कम है इग्निस से, बूट स्पेस में 18 लीटर कम है, ग्राउंड क्लियरेंस में 10 mm कम है और व्हील बेस में 35 mm कम है। यानी कि आप देख सकते हो टाटा टियागो सिर्फ लेंथ को छोड़कर बाकी सभी पॉइंट में मारुति इग्निस से काफी छोटी गाड़ी है, जबकि मारुति इग्निस लेंथ को छोड़कर बाकी सभी पॉइंट में टाटा टियागो से बेहतर है। इसके अलावा उबर खबर रास्तों के लिए मारुति इग्निस एक परफेक्ट चॉइस है, क्योंकि इसमें आपको अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल जाती है। इसीलिए सेकेंड पैरामीटर में सिर्फ मारुति इग्निस को एक पॉइंट मिलेगा। और अब स्कोर है टाटा टियागो 1 पॉइंट और मारुति इग्निस 2 पॉइंट। नंबर थ्री, कंफर्ट फीचर्स। कंफर्ट फीचर्स के बारे में बात करें तो टाटा टियागो के बेस वेरिएंट एक्सई में मिलता है फ्रंट एंड रियर मैनुअल विंडोज। आपको पावर विंडोज टाटा टियागो के बेस वेरिएंट में नहीं मिलता, मैनुअल एसी विथ हीटर, पावर स्टीयरिंग और टिल्ट स्टीयरिंग। इसके मुकाबले मारुति इग्निस बेस वेरिएंट सिग्मा में मिलता है फ्रंट पावर विंडोज, पीछे की विंडोज आपको मैनुअल ही मिलेगी इग्निस में, मैनुअल एसी विथ हीटर, एक्सेसरी सॉकेट और टिल्ट स्टीयरिंग। तो इस थर्ड पैरामीटर में आप देख सकते हो दोनों ही गाड़ियों में लगभग एक जैसा ही कंफर्ट फीचर मिलता है। टाटा टियागो में आपको मिलता है पावर स्टीयरिंग, जबकि मारुति इग्निस में आपको मिलता है फ्रंट पावर विंडोज। इसीलिए इस थर्ड पैरामीटर में दोनों को ही मिलेगा एक एक पॉइंट। और अब स्कोर है टाटा टियागो 2 पॉइंट और मारुति इग्निस 3 पॉइंट। नंबर फोर, सेफ्टी फीचर्स। सेफ्टी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है टाटा मोटर्स का। इंडिया में टाटा मोटर्स को जाना जाता है अपनी सेफेस्ट कार्स के वजह से, जो आपको टाटा टियागो में भी मिलेगी। जैसे कि आप सब जानते ही हो टाटा टियागो को क्रैश टेस्ट में 4 स्टार की रेटिंग मिली हुई है, और इस 4 स्टार सेफ्टी को अचीव करने के लिए टाटा टियागो में मौजूद है ड्यूल फ्रंट एयरबैग्स, ABS विद EBD, ओवरस्पीड अलर्ट, सीट बेल्ट रिमाइंडर, प्रीटेंशनस एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट्स और रियर पार्किंग सेंसर्स। इसके मुकाबले मारुति इग्निस भी काफी सेफ गाड़ी है। मारुति ब्रांड की इंडिया में सबसे सेफ हैचबैक कार है इग्निस। इसे क्रैश टेस्ट में 3 स्टार मिला हुआ है, यानी कि इग्निस एक ठीक ठाक सेफ कार है। और इस सेफ्टी को अचीव करने के लिए इग्निस के बेस वेरिएंट में मौजूद है ड्यूल फ्रंट एयरबैग्स, ABS विद EBD, प्रीटेंशनस एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर, हाई स्पीड अलर्ट, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रियर डोर चाइल्ड लॉक, आइसोपिक एंकर्स, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक्स। तो जैसे कि आप देख सकते हो इग्निस काफी सेफ गाड़ी है।
टियागो के मुकाबले इग्निस में सेफ्टी फीचर्स भी ज्यादा मिल जाते हैं, लेकिन इग्निस से कम सेफ्टी फीचर होने पर भी टाटा टियागो क्रैश टेस्ट में 4 स्टार की रेटिंग हासिल करी है। अगर इग्निस जैसा सेफ्टी फीचर्स टियागो में भी होता तो ये भी 5 स्टार लेके आ सकती थी। इसीलिए इस 4th पैरामीटर में सिर्फ टियागो को ही 1 पॉइंट मिलेगा। और अब स्कोर है टाटा टियागो 3 पॉइंट और मारुति इग्निस 3 पॉइंट। नंबर 5 वारंटी एंड सर्विस सेंटर। स्टैंडर्ड वारंटी के नाम पर टाटा टियागो में मिलता है 2 साल या फिर 75,000 किलोमीटर की वारंटी, जबकि मारुति इग्निस में मिलता है 2 साल या फिर 40,000 किलोमीटर की वारंटी। तो वारंटी वाइज टाटा टियागो एक बेस्ट प्रोडक्ट है। सर्विस सेंटर के बारे में बात करें तो टाटा टियागो के खरीदारी पर आपको मारुति से छोटी सर्विस नेटवर्क मिलेगी टाटा मोटर्स की पूरे इंडिया में, लेकिन मारुति इग्निस के खरीदारी पर आपको मारुति इंडिया की वाइड सर्विस नेटवर्क मिलेगी पूरे इंडिया में। इसलिए टाटा टियागो में मिलने वाले स्टैंडर्ड वारंटी को 1 पॉइंट और मारुति इग्निस में मिलने वाले वाइड सर्विस नेटवर्क को मिलेगा 1 पॉइंट। और अब स्कोर है टाटा टियागो 4 पॉइंट और मारुति इग्निस 4 पॉइंट। नंबर 6 प्राइस पॉइंट। प्राइस पॉइंट के बारे में बात करें तो टाटा टियागो XE बेस वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 4.85 लाख रुपए। मारुति इग्निस बेस वेरिएंट सिग्मा का एक शोरूम प्राइस है 4.95 लाख रुपए। इन दोनों में सिर्फ 10,000 रुपए का डिफरेंस है। इसीलिए 6 पैरामीटर में दोनों को ही 1-1 पॉइंट मिलेगा, टियागो 5 पॉइंट और मारुति इग्निस 5 पॉइंट। अब आखिर में कॉन्क्लूजन की बात करें तो देखिए दोनों ही गाड़ियां बहुत ही अच्छी गाड़ियां है दोनों ही ब्रांड के। टाटा टियागो में आपको अच्छी खासी सेफ्टी मिल जाएगी, एक अच्छा खासा इंजन मिल जाएगा, अच्छी माइलेज भी मिलेगी। ठीक ऐसे ही आपको मारुति इग्निस में भी आपको टियागो से बेहतर इंजन मिलेगी जो 4 सिलेंडर वाला है। टियागो से साइलेंट इंजन भी होगा मारुति इग्निस का। इसके अलावा इग्निस में भी आपको अच्छी खासी माइलेज मिलेगी, आफ्टर सेल सर्विस मिलेगी। मारुति इग्निस बहुत सेफ गाड़ी भी है, इसीलिए आप अपने चॉइस के हिसाब से कोई सा भी एक सिलेक्ट करके उस कार को परचेस कर सकते हो, आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। सो गाइस ये था आज का कॉम्पिटिशन वीडियो। आई होप आपको ये कॉम्पिटिशन वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना विद ऑल नोटिफिकेशन। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक और आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।